ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले थे, आइसोप्रोपाइल के लिए फ्री हैंड कार्बन अटैच विथ मिथाइल ग्रुप एंड टू द सेकेंड कार्बन, और वो जो कार्बन होना चाहिए वो फर्स्ट डिग्री होना चाहिए जब, हाँ, तो आइसोप्रोपाइल हुआ। दोनों ही केस में वही है। हाँ, दोनों ही केस में क्या है, फर्स्ट डिग्री ऑफ कार्बन है। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या कहला जाएगा, अब ये आइसोब्यूटाइल में, तो अटैच कार्बन CH3, अटैच विथ कार्बन क्या बोलेंगे, CH, हाँ, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन होगा। अटैच विथ CH3, इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री ऑफ कार्बन। आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल दोनों में कॉमन है। क्या आइसोइथाइल भी हो सकता है क्या? क्या मेन चेन में दो कार्बन है उसमें हम कह सकते हैं कि कोई फ्री हैंड कार्बन हो सकता है? एक बार ड्रॉ करके देखता हूँ, बोलता हूँ मैं, आइसोइथाइल हो सकता है क्या? देखो CH3, फिर CH2, एक हाथ खाली, CH2 एक हाथ खाली। इस मतलब इस कार्बन के अटैच कार्बन को बोलेंगे CH3 ग्रुप। क्या इस पे 1 डिग्री कार्बन है, मतलब इस पे एक और कार्बन होना चाहिए ना, तो हम बोलेंगे इस पे कार्बन नहीं होने की वजह से इसको बोलेंगे हम ये आइसोइथाइल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अटैच कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए और वो हैंड फ्री होना चाहिए। तो फ्री हैंड के साथ साथ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल के साथ एक और मिथाइल, तब मिनिमम शुरू होता है 3 कार्बन से। तो अगर हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल जो शुरू होता है, मिनिमम कार्बन 3 होना चाहिए तभी पॉसिबल है, या उसके आगे मिनिमम 4 के लिए भी पॉसिबल है, 5 के लिए भी पॉसिबल है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। आगे कहता है इसमें, अगला क्या कहता है इसमें सर, अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये हमने पढ़ा आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल के बारे में। एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, क्वेश्चंस के बियॉन्ड जा रहा हूँ, जाना नहीं चाहिए, बाकी तुम अपना क्वेश्चन देखो, वहां मिल जाएगा। तो हम, मेरे पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आंसर आ गया, मेरा ऑप्शन बी आया, जो कि क्या बोलता है, सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन। इसमें नहीं होगा क्योंकि जो अटैच फ्री हैंड कार्बन है इससे जुड़ा हुआ कार्बन पे होना चाहिए मिथाइल ग्रुप, नहीं है जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, दिस कार्बन इज नॉट अटैच विथ मिथाइल ग्रुप, नॉट अटैच्ड विथ CH3, इसीलिए इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, सेम बात, जो अटैच कार्बन है इसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, दिस कार्बन अटैच विथ मिथाइल ग्रुप या CH3 कार्बन, CH3 कंपाउंड, ठीक है। ये सब उसके लिए पढ़ रहे हैं जो हमारा वर्ड आता है आइसो, आइसो आइसो के लिए बता रहे हैं। अगर हम पढ़ते हैं इसी में जो हम छोड़े यहाँ पे, उसको बोल सुन लो कि अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल पूछेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल के केस में उसका स्ट्रक्चर बनता है हमारा CH3, CH3, CH2, CH, फिर CH3। अब देखो इसको क्यों बोला सेकेंडरी ब्यूटाइल, जिस कार्बन से CH3 ग्रुप अटैच है उस पे मैक्सिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए, और वो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग सेकेंड डिग्री ऑफ ब्यूटाइल। ब्यूटाइल मतलब मेन चेन में 4 कार्बन, और जो फ्री हैंड कार्बन है वो ये है, उससे अटैच ग्रुप क्या होना चाहिए, दो, 2 कार्बन अटैच होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल। शायद ये कंपाउंड कहीं दिया हुआ था, ये वही वाला कंपाउंड है, इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अब जब तुम अगर बुक में इस चीज को वापस से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है द कार्बन अटैच टू द मेन चेन ऑफ ए कार्बन इज टू बी सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन, पेज नंबर ये दे रखा है यहाँ पे, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में पेज नंबर है 341 में, दिख रहा है? ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। अगला आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, देख लिए, कंपाउंड याद रखो नाम के साथ, अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, उसी से काम अपना बढ़ेगा आगे। आगे कहता है नियो ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल, TER, टर्सरी ब्यूटाइल, तो उसके लिए क्या जरूरी है, द मेन चेन कार्बन हैविंग फ्री हैंड CH3, CH3, CH3। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
बुटाइल। हाँ तो यहाँ पे आइसो बुटाइल बोला था ना रे, तो हम आइसो बुटाइल के कंपाउंड क्या बना था? आइसो बुटाइल की जरूरत है, आइसो बुटाइल विथ CH3। कौन गया कौन गया कौन गया, ये है क्या? हाँ यही है, सॉरी 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 सॉरी, ये है आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को VVI है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो आइसो ब्यूटाइल, ये कंपाउंड है और ताजुब है। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल क्या हो गया, ये कंपाउंड, और इसको क्या दे रहे हैं हम लोग नाम, इसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। हम वापस आके अंदर आते हैं एक बार, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ब्रोमो पेंटेन वाला सर। नहीं, ये है IUPAC नेम इथाइल हाइड्रोक्सो, फिगर दिख रहा है ये वाला? बुक खोलो, बुक में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13, वहीं से तो लिखवाए हैं, मतलब वहीं से तो कॉपी किए हैं क्वेश्चन। व्यू द रिकॉर्डिंग ऑफ लाइफ आ गया आपका। अभी आ गया, कल कोई भेज देता है दूध को, जितना अभी रिकॉर्ड रोक देते हैं ना कुछ देर के लिए भी, उतने ही देर में वो रिकॉर्डिंग भेज देता है वो। अच्छा बात है, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग आ जाता है, फिर बहुत फास्ट काम करता है। दिख रहा है क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, बहुत मध्यम लिखा रहा है ना, थोड़ा मार्कर में इंक डाल देते हैं। तब तक क्वेश्चन पढ़िए अपना, ये क्वेश्चन नंबर 13। दो बूंद इंक जरूरी है, मार्कर सब मरल जा रहा है, ज्यादा इंक इसलिए डालते हैं कि वोमिटिंग कर जाता है मार्कर। इसीलिए कम कम इंक डाल के रखते हैं। बस हो गया, पढ़ाई है ना, पढ़ाई को कुछ ज्यादा ही काम होता है। ठीक है, आ जाइए। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर हमारा कंपाउंड दे रखा है 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्सेन और फिर 3 EN 3 EN 5, फिर लिखा है YNOIC एसिड। सारी क्वेश्चन तो मैंने बताया था ना घर पे बैठे बैठे, हमको तो याद है। एस्केप कर जाऊं, क्वेश्चन मैंने कर घर बताया था कि वापस से बताऊं, अब बता ही रहे थे, बता ही दीजिए वापस से, क्या दिक्कत है?
नेकी और पूछ पूछ ऑप्शन लेके क्या ऑप्शन क्यों लिख रहे हैं डायरेक्ट इसे ही बता दी। अरे व्यूअर लोग को पीडीएफ थोड़ी ना मिल रहा है, जो लोग मेरा वीडियो देखता है उसको तो ये चीज थोड़ी ना दिख पाएगा क्वेश्चन कहाँ पे सर पहले दे दिए हैं हम तो। तुम लोग को नोट्स में डाल दिए ना क्वेश्चन, जो लोग वीडियो देखेगा उसको लगना चाहिए कि हाँ सर प्रैक्टिकली पूरा मेहनत कर रहे हैं। एक एक चीज ध्यान रखते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा कटता है इसमें लेकिन चीजें परफेक्ट हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हाँ आगे से पढ़ाइएगा सर। ना बबुआ अभी चलेगा इस काम, तुम्हें पता है जीओसी में मेरा वीक है। हाँ जीओसी तुमने बोला कि जीओसी वन मेरा कमजोर ज्यादा है, जीओसी वन ही तो चल रहा है ये। तुमने कहा कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा था, इतना टाइम दे रहे हैं हम क्वेश्चन के लिए ना, ये चीज अगर आज हम बता दिए ना कभी भी वीडियो घुमा के देखोगे तो लगेगा कि सर ने अच्छा काम करके गया है। ये वीडियो लिंक जितना हमको मिलता है उतना तुमको भी मिल रहा है, जितना मेरे लिए खास है उतना तुम्हारे लिए भी खास है। ठीक है ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या रखा था, टू इथाइल टू हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन का मतलब मेन चेन में 6 कार्बन और आखिरी में जो लिखा हुआ है नाम है ओइक एसिड, मतलब ये कार्बन कार्बोनिक एसिड हमारा मेन चेन में पहला का होना चाहिए। तो नंबरिंग इधर शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 इधर क्यों गया, इधर क्यों नहीं गया, इधर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या नाम है वाई एन ई, इसलिए हम इसको नंबरिंग इस तरह चाह रहे हैं। और इस पे शुरू क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओइक एसिड, तो ये कार्बोनिक एसिड पहला कार्बन हो सकता है तो पहला कार्बन कार्बोनिक एसिड को ही लेंगे। ठीक है, अब कहता है तीन पे क्या है फंक्शनल ग्रुप कौन कौन प्रेजेंट है, एक है इथाइल लिखा हुआ इथाइल, फिर बोलता है टू पे हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ पे टू पे हाइड्रोक्सी दिख रहा है क्या, यहाँ पे कितने आ रहे हैं तीन पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, ये गलत हो गया क्योंकि ये नाम सही है ये नाम गलत है। आगे बढ़ते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 बोलता है कि सर एक पे कार्बोनिक एसिड एक पे कार्बोनिक एसिड, सर दो पे मिथाइल है दो पे हाइड्रोक्सी है, दो पे मिथाइल है टू पे हाइड्रोक्सी लिखा है, गलत हो गया। अगला नंबरिंग 1 2 3 अब नीचे जाके ऊपर जाए, ऊपर जाने पे नीचे जाने किधर फायदा है, देखो ना वाई एन ई लिखा है मतलब ये नाम के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब नंबरिंग में इसको हम लोग ले रहे हैं मेन चेन में वाई एन ई को, और इसको ले सकते हैं कहीं पे ई एन ई लिखा है अलग से हेक्सेन, ये जाते हैं तीन, इसको तीन पे क्या नाम दिया उसने ई एन ई होना चाहिए, तीन पे डबल बॉन्ड है नहीं है तो तीन पे यहाँ लिखा है डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होने के बाद यहाँ पे चार, अगर तीन इधर जाएगा चार यहाँ गए पाँच, तो यहाँ बोला तीन पे बोल रहा है डबल बॉन्ड होना चाहिए ई एन ई, तो यहाँ पे ई एन ई में डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड गलत है, तो बचा कौन आखिरी ऑप्शन ये मिला। अब इसे चेक कर लो वैसे सही है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 अब पहला नाम मैच करते हैं, तीन पे इथाइल है हाँ तीन पे इथाइल है, अब बोलता है टू पे हाइड्रोक्सी है हाँ टू पे हाइड्रोक्सी है, ये भी सही है, अब बोलता है चार पे मिथाइल है चार पे मिथाइल है हाँ है, ये भी सही है, फिर बोलता है हेक्सेन है हाँ हेक्सेन है, हेक्सेन भी सही है, तीन पे ये नहीं है तीन पे ये नहीं है हाँ है, फिर बोलता है पांच पे आयोनिक एसिड है तो बोल रहा है फाइव पे क्या है वाई एन ई है हाँ है, और ओइक एसिड भी लगा एक नंबर कार्बन पे हाँ बोलेंगे हाँ है, तो सब चीज मेरा मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। आसान होता है जब चारों ऑप्शन सामने में हो, अगर ऑप्शन नहीं लिखता है इसका तो बनाने में पसीना छूट जाता है, इस क्वेश्चन को सोचते सोचते परेशान हो जाता है। फोटो खींचना है खींच लो आगे बढ़ेंगे। खींच लिया फोटो ले लिया? हाँ सर ले लिए, कमेंट में लिख दिया करो अगर माइक खोलने में लेट हो। अरे नहीं सर वो कुछ अति काम आ गया था, केसरी बुला रहा था सर उसको देखने चले गए थे। ओहो मम्मी बचा गए ऑफिस? मम्मी अभी जा रही निकल रही है ना, सब बिजी है इसी के लिए, उसको काम पड़ेगा तो क्या करेंगे सर। बात तो सही है, देखना तुम्ही को पड़ेगा ना, हर बनाने से क्या कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर तुम हमको भी एंगेज कर दिया है, उधर तुम लोग
नहीं मजबूरी है सरकार सर, ग्लास में पानी चाहिए था, पानी सर देने गए थे, अब उतना पानी में हाँ कोई बात नहीं, उतना चलता है। ठीक है, इसका नाम दे रखा है वन ब्रोमो प्रो टू पे है ENE। दूसरा ऑप्शन दे रखा है CH3, CH2, सी पे CH3, फिर सी पे CBr, फिर है CH2, फिर है CH, फिर CH3, फिर यहाँ पे है CH3। इसका नाम दिया है 4-bromo 2,4 और डाइमिथाइल हेक्सेन। ऑप्शन नंबर सी कहता है CH3, CH3, CH रिंग है, फिर CH2, CH3, नाम इसका है 2-methyl 3-phenyl पेंटेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आखिरी रहेगा, फिर बाकी फिर दिन में मौका मिलेगा तो फिर दिन में लाइव क्लास कर देंगे। ठीक है, वैसे तो आज फ्राइडे है, आज थोड़ा क्लासेस ज्यादा है, आज शायद नहीं हो पाएगा, फिर भी शाम में कोशिश करेंगे। कहता है विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम, बोलता है इनमें से कौन सा IUPAC सिस्टम के मुताबिक सही नहीं है। आसान सा बात है तो पता करना, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है ब्रोमो, यहाँ लिखा है अल्केन, तो बोलेंगे अल्केन को मेंशन में काम पहले लेते हैं, तो 1 2, तो मुझे यही गलती लग रहा है। जरा सोचो, जब भी कोई ब्रोमो होता है उसको हमेशा प्रीफिक्स लिया जाता है, और जो भी कोई अल्केन होता है उसको पहले लेते हैं IUPAC के नॉमेनक्लेचर के मुताबिक। अगर इस बात में सहमत है तो बोलो हाँ, है ना। जो ब्रोमो और रोमो जो होता है वो हमेशा हेलोजन यानी प्रीफिक्स पेयर पर होता है, और ये क्या है, टू पे बोल रहा है, ये नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है। इसी को लेंगे 1 2 3 लेंगे, ये नंबर गलत है, जो नहीं है गलत, यही सही है। ऑप्शन पूछा है कौन सही नहीं है, यही सही नहीं है, होना क्या चाहिए था अलग, हो गया कुछ अलग। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये बात सही है तो इसको कर देंगे। अब यहाँ पे BR है, यहाँ CH3 है, तो बोलेंगे BR को आखिर में लेते हैं, पहले मेंशन में लेंगे कार्बन, इधर सब्स्टिट्यूशन पहले मिल रहा है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूशन पहले मिला इधर से काउंट करने पे, इसलिए इधर से काउंटिंग किए। तो 4 पे ब्रोमो है, हाँ ब्रोमो है, 2.4 में मिथाइल है, 2 और 4 पे मिथाइल है, हाँ सही है, यानी हेक्सेन। इसका मतलब ये ऑप्शन सब सब सही है, यानी ये ऑप्शन हमें गलत ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं इसको, फिर दोपहर में फिर हम ऑनलाइन होते हैं, नहीं तो फिर शाम में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, अभी है क्वेश्चन और भी ज़्यादा है, या अगर तुमको अगर लग रहा है कि तुम उसको कर सकते हैं खुद से, तो हमको उसको बना करके दिखाओ, हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर जवाब दे दोगे तो हम इसको छोड़ देंगे, तो ऑप्शन है जो तुम पसंद आए।